अच्छा, अक्सर देखा गया है कि फिल्मों में सेम तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं उस पे गाने होते हैं, जैसे हीरो हीरोइन जब मिलते हैं या बिछड़ते हैं या शादी के ऊपर, या ये विलेन जो है हीरोइन को अपने अड्डे पे नचाता है। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है कि कोई नई सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट की जाएँ, ताकि हमारे प्रोड्यूसर्स हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के मन में आए कि यार ये सिचुएशन पे भी गाना बन सकता है। हेलो सर, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स एंड मैं आप दोनों के गाने तो सुन के सर मैं बड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत पसंद है आपके गाने। मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम पूजा है और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मौसम होता है अभी बहुत गर्मी चल रही है, तो मैं बाहर बैठी थी, मुझे बहुत पसीने आ रहे थे। यहाँ तो सब अच्छा है, एसी वेसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कभी लड़कियों को पसीना आते देखा नहीं वैसे। मैं हमेशा लड़कों को ही आते इधर इधर से। अरे नहीं सर, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा ठीक है ना, बाहर तो बहुत गर्मी है। जी जी। तो एसी में भी मुझे पसीना आ रहा था, तो सिचुएशन ये है कि गर्मी बहुत है और एसी में भी पसीना पसीना हूँ, तो इस पे कुछ गाना हो जाए सर। अच्छा याद आया, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल गाना था मेरा कपिल, तो मैं सोचता हूँ कि अगर एसी की बात आई है तो वो अगर मुखड़ा मैं थोड़ा सा घुमा दूँ। जी, मुखड़ा था सरकाई लो कटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। शुक्रिया, थैंक यू पूजा। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, ब्रोच है लगाया पूरा जैकेट पे है, टैटू भी बनवाए हैं। क्या बनवाया सर आपने बाजू पे? कपिल सर ये माइक है। माइक बनवाया आपने? यस, दरअसल मैं भी एक एंकर हूँ। अच्छा जी। मेरे गांव में वहाँ पे मैं शोज वगैरह किया करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मैं सरोज बाबर, सांगली से आया हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया सर, धन्यवाद। और मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरी किस्मत में लड़के लिखे। समीर सर और सानू सर, मैं आपको गुरु मानता हूँ, तो मेरा आपको सादर प्रणाम। और कपिल जी, जैसे मैंने आपको बताया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका हर एक शो देखता हूँ। धन्यवाद सर। तो समीर सर से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। जी सर। खर्चे तो बहुत हो रहे हैं सर। किसके? बिल हमारे ही। खर्चे? खर्चे खर्चे। अच्छा जी। और दिन ब दिन बिल भी बहुत बढ़ रहा है, तो किस चीज का? दूध का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, बच्चों की स्कूल की फीस है। बच्चे बिजली पे हैं? अच्छा, आप अच्छा नॉर्मल जो इतने खर्चे होते हैं वैसे। अच्छा हाँ। अच्छा जी, तो बिल के ऊपर एक गाना होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर एक गाना ही याद आया मुझे कपिल जी, मेरा बहुत मशहूर गाना है और मैं बोलूंगा तो आप सबको याद आ जाएगा। एक फिल्म आई थी धड़कन। शुक्रिया दादा, शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद सर। और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग कपिल सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नाक बड़ी तीखी आपकी भी, हमारे माइक में ना छेद कर देना कहीं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुसविर। अच्छा मुसविर साहब, कहाँ से हैं आप? मैं साउथ मुंबई। अच्छा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, मैं तो बैठ जाओ फिर। आज टाइगर सर को देख के मुझे एक शेर याद आ गया। अच्छा जी, टाइगर को देख कर शेर याद आ गया। अच्छा, तो मैंने कहा आज छोड़ ही देना है। क्या छोड़ देना है? शेर। शेर छोड़ देना, अभी तक बात के रखा था उसको। छोड़ो छोड़ो। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। हाँ जी, नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। कमरे में बंद है। गमले में के कमरे में? कमरे में। कमले में? कमरे 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 में। या क्या करूँ हाय, मुझे शर्मा शो पसंद है। क्या करूँ हाय, मुझे शर्मा शो पसंद है। वाह 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 वाह। अच्छा, इरशाद इरशाद इरशाद, क्या बात है, मीटर से बाहर जाके जो आपने शायरी की है ना, क्या बात है, अभी अभी बनाया ना ये सब कुछ, आपसे ही सीखा है। क्या बात है, क्या शेर सुना आपका, एक भी शो मैंने मिस नहीं किया। मैंने तो कभी ऐसी तुकबंदी नहीं की। मुसविर धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? हाँ पीछे वो मोहतरमा। हेलो कपिल। हेलो। हेलो समीर सर। हेलो सानू सर। मेरा नाम कनक है, मैं इलाहाबाद से हूँ। सर मैं आप लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ। समीर सर, आपकी लिखी हुई एक बुक मैंने मार्केट से ली है, मैं चाहती हूँ इसमें जो कविताएं हैं उनमें से कोई भी एक कविता आप मेरे लिए पढ़ें। जरूर जरूर, ले आओ बुक, ले आओ तो मैं पढ़ूँ। थैंक यू। नहीं लेकिन ये क्या कपिल, ऐसे दिन में बोला कि मिसेस बैठी हुई है,
सही टाइमिंग नहीं है, बहुत खराब टाइमिंग है। कपिल, अभी अभी ये मेरी किताब आई है। क्या बात है सर। इसका नाम है समीराना गीत। एक बार गुलजार साहब ने मुझे कहा कि तुमने फिल्मी गाने बहुत लिखे हैं, तुम्हारा एक पोएम्स का कलेक्शन आना चाहिए, तो उनके कहने पे मैंने ये किताब लिखी है। तो शुक्रिया गुलजार साहब। मैं आपको रोमांटिक होकर पेन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि वो खड़ी तो तुम्हारे सामने है, तो मैं कैसे रोमांटिक। कैसे है भाभी जी, कैसे हैं? थैंक यू, थैंक यू। मगर मुझे देखने तो तुम मत देखते रहो उधर बार। मैं तो देखूंगा ही नहीं। एक बहुत खूबसूरत चंद पंक्तियां सुनाता हूं तुमको, सुनो कि थैंक यू। कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी, हमने हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफी नहीं, तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यही सजा काफी नहीं। कपिल तुम धीरे धीरे आग लगा रहे हो, मुझे दिख रहा है सब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाय 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 हाय। आज भी हमारे इधर लेजेंडरी लोग आए, दादा और समीर दाजी के लिए जोरदार ताली हो जाए। दादा कैसे? बहुत अच्छा हूं। अरे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है 90s से। अच्छा, कब से आप बोल रहे सासों की जरूरत है, सासों की जरूरत है। फिर एक दिन नाला सोपारा में आप शो पे आए थे ना, उधर भी मैं देखी, स्टेज पे बोलते सासों की जरूरत है, अभी भी पीछे खड़ी थी बोलते सासों की जरूरत, इतनी जरूरत मेरे को मालूम है आपको जरूरत है, तो मैं आपको सांसे देगी। ए? क्या मतलब सांसे देगी? अरे मतलब मैं इनके लिए सांसे लेकर आई है। कैसे? बुलाओ रे, ये ऋषभ की सांसे, वो मयंक की सांसे, वो अशोक की सांसे। अरे लेकिन मैं सासू की जरूरत नहीं बोला, यही सासो बोला। नहीं मैं यही सुनी थी। नहीं अभी आप जी लो अपनी जिंदगी, ऐसे नहीं चलेगा। दादा का स्वागत करो, अटैक। नमस्ते। हाय हाय मैडम। अरे आप लोगों ने तो बोला था सिर्फ दादा से मिलने का है, आप तो इधर मसाज अंगूर विंगूर चालू कर दिया आपने तो। इससे ये साबित होता है कि बाल सफेद होने से कुछ नहीं होता, बस मन में काला होना चाहिए। आज के बाद भाई मैं सांसों की जरूरत गाऊंगा ही नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। अब जब जब गाया शो पे तीनों आ जाएंगे, मैं बता रही हूँ। आप एक मिनट, ये सांसे मैं भी इनको सांस देगी। हाँ, आपके लिए टमाटो सांस, आपके लिए ग्रीन चिली सांस, तो है सांस। हाँ, हमारा उधर रेडी है ना नाला सुपर में इनका मोमोज का। हाँ, इन लोग को सांस लगता है। थैंक यू वेरी मच दादा। हाँ दादा, मैं आप लोग को फायदे की बात बताऊं? क्या बता? अभी मैं रस्ते में आ रही थी ना, मेरा 100 का नोट गिर गया। तो ये तो नुकसान हुआ ना, तो जिसको मिलेगा उसका तो फायदा होगा ना, उसके फायदे की बात बता रही। खैर सर कैसे है? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। सर मेरे को दो ही चीज़ें पसंद है, खाने में पनीर जी और लिरिक्स में समीर जी। सॉरी दादा, आपका बना नहीं है सर, राइमिंग में सानू में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था खाने का। सच्ची में लेकिन आपको भी खुश करेगी, मानो या ना मानो, आई लव कुमार शानू। और सर, सर बेटी के घर पे पहली बार आए, आप खाली हाथ आए सर। तो इनकी बेटी कब से हो गई? ए कैसी बात कर रहे है रे, कैसे बोलता है तू? अरे कलयुग आ गया, कलयुग। आजकल के जमाने में ले लोग पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देते, मैंने तो फिर भी रिश्ता जोड़े ला है। पैसों के लिए? अच्छी बात की ना सर मैंने, बहुत बहुत अच्छी, अच्छी बात की। बहुत तो 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। तेरे शर्म नहीं आती? आते तूने 1 करोड़ रुपए मांगना शुरू कर दिया। हाँ तो क्या, जाते जाते मांगती, कोई देता है क्या मेरे को 1 करोड़ रुपया? कितनी बार मांगा, किसी ने नहीं दिया मालूम है। मेरा मार्केट में करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा कितना। मैं बोलती है जब से शो चालू हुआ है ना सर, दो जनों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। किसका? एक मेरा और दूसरा सिद्धू जी का। आप इंजॉय करो, मडलैंड में एक और बंगला बनाओ आप। बट कुछ भी बोलो, वी लव अर्चना जी, अर्चना जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर मेरे को ना आपकी वो वाली धुन बहुत पसंद है। कौन वाली? कौन सी? अंधा धुन। मैं सब बीच बीच में फालतू बात भी करती है सर। अच्छा सर, मैं लेकिन फालतू बात नहीं, सच्ची में बोलते आशी की पिक्चर आप लोग की आई ली थी ना, तो मैं ऐसा मतलब मेरा छावा है, छावा अंडरस्टैंड करते सर आप तो लिख छावा, छावा मतलब बॉयफ्रेंड।
अभी इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूंगा। हाँ सर सर, आपने उस हुआ है पिक्चर में से छावा छावा माहिया से छावा, मेरा मेरा ही गाना है वो। आपका गाना है? हाँ। वो उसी का हाँ वही गाने का छावा है मेरा, मुकेश है ना, तो आपका गाना सुनते हम लोग उधर जाते हैं खंडाला में लॉन्ग ड्राइव पे। बाइक से कार से जाती कैसे? नहीं हम लोग डुक्कर पे बैठ के जाते हैं। हाँ सर सच्ची में लॉन्ग ड्राइव। हाँ अब मेरा छावा है ना सर, उसका सुअर धोने का काम है नाला सुपर में, डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, दो डुक्कर है ना उसके बीच में ऐसा लकड़ी का फट्टा डालते है और डुक्कर का रथ बना के उस पर बैठ के जाते हैं उधर। हाँ उधर उधर हम लोग बहुत गाना वीना भी गाते डुक्कर डुक्कर ए डुक्कर डुक्कर। सर आपके पास बड़ा बड़ा गाड़ी रहेंगे, आप तो इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन कभी ट्राई करो सर, डुक्कर पे आप जाएंगे ना ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई नहीं पकड़ते। सच्ची बोलती है मैं। एक दिन ना आरटीओ वाले ने सर पकड़ लिया हमको, बोला इसका चालान कटना पड़ेगा। मैं डुक्कर का पूंछ उठाई, मैं बोला ले इसका नंबर नोट कर गाड़ी का। फिर मैं उसका मुंह खोल के दिखाई, देख बोनट, देख गाड़ी का बोनट चेक कर। वो लोग तो ऐसा डर गए सर। मुंह से मेरे को याद आया, आप तो कितना अच्छा मुखड़ा बनाते हैं सर, मेरा मुखड़ा अच्छा बनाओ ना सर। ए पागल है, वो गानों के मुखड़े बनाते हैं। तेरे को गाने के बारे में पता है कुछ? मेरे को गाने बीने के बारे में सब पता है। क्या? सर ने 3,500 गाने लिखे लिए और इन्होंने 20,000 से ज्यादा गाने गा लिए है ना, जोरदार ताली हो जाए। सर मेरे को ना आप नाला सोपर में लड़की लोग बहुत परेशान है आपसे। क्यों? उधर बहुत कंफ्यूज के लिए इन लोगों ने लड़की लोग को। कैसे? ये ना लड़की लोग को बोलते हैं लड़की बड़ी अनजानी है। हाँ। तो वो खुश हो जाती है, फिर बोलते तुमसे मिलने को दिल करता है। हाँ। तो लड़की मिलने आती है तो बोलते सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के लिए। ये क्या बात है? अच्छा सर वो भी गाना मेरे को समझ नहीं आया सर आपका। कौन सा गाना? आप बोलते धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, क्यों आपने हॉल में साबुन का पोछा मारे लाए जो धीरे धीरे आना। इन्होंने लिखा? नहीं मेरा मेरा नहीं, मेरा लिखा हुआ नहीं है, इनका लिखा हुआ है। अच्छा समीर जी, सर आप तो हर सिचुएशन पे गाने बनाते हैं, आपने होली दिवाली दिल टूटना दिल जुड़ना इस पे गाने बनाए ले, कभी झगड़े बिगड़े पे बनाओ ना। मैं आपको सिचुएशन देती है सर, मेरा ना वो मुकेश छावा एक दिन बाहर चला गया था, तो मेरा जो फ्रेंड है मोहित उसके साथ मैं घर पे चिल मार रही थी। चिल मतलब? चिल क्या होता है? तेरे को चिल का मतलब नहीं मालूम है क्या? नहीं। अरे चील मारी मतलब मैं उसके सर पे तेल लगा रही थी, वो मेरे सर से जुए निकाल रहा था। ऐसा हम लोग उधर चील मारती, तो मैं चील मार रही थी ना सर, तो मुकेश अचानक से बीच में आ गया और उसने हमको गंदे हाथों पकड़ लिया। गंदे हाथों? मेरे तेल लगा था ना हाथ पे, ऐसा गंदे हाथों, फिल्मों में तो रंगे हाथ होते, हमारे गंदे हाथ रहते हैं, मसाज वाली है ना मैं, तो मेरे को उसने ऐसा पकड़ लिया, मेरा बाल पकड़ा और डुक्कर का पूंछ पकड़ के ऐसा मुंह पे मार दिया। इस सिचुएशन पे गाना चाहिए सर। मुझे तुमको 1 साल का वक्त देना पड़ेगा इसको लिखने का। 1 साल का वक्त? 1 साल बाद आप मेरे को लेटर लिखिएगा। सपना ब्यूटी पार्लर नाला सुपरा 420 नंबर, ठीक है सर मेरे को लेटर। अच्छा सर मेरा ना आप लोगों से एक जवाब था। बोलो जवाब क्या होता है? सवाल होता है पहले जवाब? नहीं सवाल तो अमिताभ बच्चन जी लेंगे ना, केबीसी आ रहे हैं अभी, केबीसी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उसमें बच्चन साहब क्या करते है सब लोग को ना सर सवाल ववाल पूछते, मेरे को एक चीज जानने का था यार कप्पू। हाँ। मतलब बच्चन साहब ऐसा सबको ऐसा सवाल पूछते और वो जवाब देता है और चैनल का करोड़ों रुपया उसको दे देते हैं। हाँ। तो इतना जवाब जमा करके करते क्या है वो लोग? मतलब इतना पैसा खर्चा हो गया चैनल का, आप चैनल को कौन जवाब देगा? अच्छा सर मेरा ना एक और मेरे को जानना, मेरा ना पेट का आलम मुझे आपको बताना था। पेट का नहीं दिल का आलम होता है? नहीं मेरा पेट खराब है, मैं पेट का आलम बताएगी सर। अरे आलम से मेरे को याद आया, मेरे को आलम भाई को फोन करना था। हेलो सलाम वालेकुम आलम भाई, हाँ सुबह 6 बजे का आलम लगा दो। हाँ ठीक है। क्या देख? अरे डुक्कर लोग को वॉक पे ले जाना रहते हैं ना हम लोग को। हो गई तेरी बातें? ऐसे कैसे हो गई, जब तक अपने धंधे का बात नहीं करेगी कैसे चलेगा? मसाज पार्लर है सर हमारा, वी हैव मसाज पार्लर, हमारे पास मसाज रहता है अलग अलग टाइप का। आपके लिए हमारे पास 90s का आशिकी मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते सर, हम लोग कस्टमर को ऐसा तेल लगाते हैं और फिर दो बेवड़े बुलाते हैं। वो दो बेवड़े ना 90-90 का पैक लगाते हैं
और फिर एकदम आशी की मूड में आके मसाज करते हैं, ऐसा टाइप का मसाज रहता है। क्या बात है। आपके लिए तो स्पेशल सिंगर लोग का क्या बोलते हैं इधर, वोकल बोलते हैं ना सर। हाँ, हमारे पास वोकल मसाज है सर। उसमें क्या है? उसमें क्या, कस्टमर को तेल लगाते हैं सर पहले, फिर हम लोग मेन्यू मंगाते हैं, फिर बोलते हैं कौन सा मसाज करवाएगा, वो बोलता है ये वाला, हम बहते वो वोकल करेंगे। ऐसा रहता है। अच्छा सर, मैं ना आपको एक जादू दिखाएगी आज, मैं मैजिक भी सीखी है। अच्छा। हाँ, आप लोग ऐसे सपने अपने आते आपको, जब सोते सपना तो आते ही है। हाँ। तो आपने सपना आते ही देखा है ना, आज आप सपना जाते ही देखोगे, ये देखो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।